अकाल पुरख की जूंदी जागदी फौज करो फतेह सांझी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास बाबा स्वरणजीत सिंह तप स्थान गुरुद्वारा मंजी साहब तो प्रमुख सेवादार पावन दरबार तप स्थान गुरुद्वारा मंजी साहब। आओ तप स्थान गुरुद्वारा मंजी साहब के दर्शन करिए। ओ पावन दरबार है जिथे ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा वडभाग सिंह जी महाराज ने 17 साल 8 महीने घोर तप करके तमाम लोकाई नू सर्वत संगता नू गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे नाल जोड़िया। शिवालिक दियां पहाड़ियां दे विच ए महान पावन दरबार, जिस दरबार नू 6 जून 2008 नू श्री अकाल तख्त साहब 5 तख्तां ने थापड़ना दे के ए गल आखी के जाओ बाबा सरनजीत सिंह जी सारी दुनिया दे विच गुरु घर दी ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा जो स्नेहा है बाणी अनुसार जाके दुनिया नू गुरु ग्रंथ साहब नाल जोड़ो। दास अज तक ओही करदा आ रहा है। गुरु प्यारियो, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज साढ़े गुरु हैं, होर कोई गुरु नहीं। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज गुरु हैं। इन्हां दी ओट ते आसरा, इन्हां दी बाणी अमृत वेले ते शाम वेले जो बाणी दा आनंद माणदा है बस गुरु दा ही हो के रह जांदा है। आओ लॉकडाउन तो बाद सरबत संगतां मत्था टेकन नहीं पहुँच सकियां। बहुत फोन कॉल्स आंदियां ने कि बाबा जी मन लोचदा है, गुरमुखो आप थोड़ी देर इंतज़ार करो, बस जल्द तो जल्द तुसी आके मत्था टेकोगे तो गुरु घर के दर्शन करोगे। महाराज जी अपार बख्शिश होगी सारी संगत ते, सारे लोगों ते। कोई भी प्राणी दुखी ना होवे और इस जो कहर बरस रहा है करोना दा उहदे चों बच के असी निकलांगे। ये सराय है गुरु गोबिंद सिंह सराय, 5 मंडली सराय। ये तप स्थान गुरुद्वारा मंजी साहब ने अनाउंस किया है, कोई भी पीड़ित व्यक्ति किसी भी धर्म का आंदा है उहदा इंतजाम असी इत्थे रहन दा करांगे और उन्होंने लंगर पानी इत्थे रखांगे ताकि पीड़ित लोगों का ध्यान रखा जाए। गुरु प्यारियो, भावें किन्ना के वड्डा भीड़ा भी क्यों ना होवे लेकिन गुरबाणी गुरु दे घर पढ़ी जाती है और नित बाबा जी दे पावन पवित्र दरबार दे विच अमृत वेले शाम वेले बाणी पढ़ी जाती है और जिन्हां प्रेमियों ने श्री अखंड पाठ साहिब रखाए ने उन्हां दे भोग पैंदे ने, उन्हां नूं हुक्मनामे भेजे जाते ने, उन्हां नाल वचन विलास हुंदे ने। यही मर्यादा है गुरु घर दी। महाराज कृपा करन तप स्थान गुरुद्वारा मंजी साहब इस पावन स्थान दियाँ असी जल्द तो जल्द हाजरियाँ भर के खुशियाँ प्राप्त करिए। नाल ही धन्यवाद करते हाँ उन्हां जुजारू प्रेमियों का जिहड़े गुरु घर की सेवा करते रहे और लखां ही लोगों के विच पहुँच के गुरु घर की सेवा लंगर की कीती 15 दिन लगातार। आप जी नूं बहुत बहुत बधाई है और गुरु करन आप जी दे परिवार दे विच खुशियां रहन और इस तरह ही तुहाडा सुभाव सेवा जो वृत्ति सानू खालसा पंथ नूं मिली है उस पंथ दे नाल जुड़ के असी इहो ही कुछ करदे रहिए। गुरु घर दी विच मर्यादा विच रहना सिखिए, चढ़दी कला होवे और गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त करके असी रहमता करिए। आओ सारे सरबत संगत मिल के अरदास करिया करो सवेरे कि महाराज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये जो धर्म ने और कोई भी व्यक्ति जीव जंतु महाराज इस करोना दे कहर चों कढ़ो ते महाराज सानू खुशियां बख्शिश करो ताकि असी अपने गुरु घरां विच आके गुरु घर दीआं मर्यादा विच रह के गुरु दी चरण छो प्राप्त कर सकीए। बहुत जल्द वो दिन आवेगा जदों असी चरण छो प्राप्त करेंगे। दास उम्मीद ही नहीं यकीन करता है। आओ इन्हां शिवालिक दियां पहाड़ियां दा आनंद भी माणिए और अमृत वेले शाम वेले जरूर बाणी पढ़िया करो। इस पावन दरबार दे विच हमेशा नित सवेर दे टाइम और शाम दे टाइम कीर्तन चलता रहिंदा। हुण भी तुहानूं आवाज़ आउंदी होवेगी। उम्मीद करदा हाँ कि असी जल्दी तो जल्दी मुड़ के दरबार दे आके दर्शन दीदारे करके खुशियां प्राप्त करांगे। इन्ने ही शब्द प्रवान करो, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।